15 अप्रैल को गुड फ्राइडे था उसकी छुट्टी, फिर 3 मई को ईद उल फितर थी उसकी छुट्टी, सुनिएगा अभी सब। उसके बाद 13 मई से 31 मई पीजी का एग्जाम स्टार्ट हुआ, उसमें हमारी क्लास नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। तो ये बताओ 7 दिन इन्होंने क्लीनिंग कराने में लगाया पूरा, साफ सफाई में। उसके बाद 10 दिन संडे आया इसमें, 10 दिन संडे आया, तो 17 दिन हुए, गिनते जाना पूरा। 19 दिन एग्जाम चला है पीजी का, 19 दिन एग्जाम चला। उसके बाद 9 दिन आप लोगों का कॉलेज का हॉलीडे, जो कॉलेज की छुट्टी थी, इसी में से पूरा गिनते जाइएगा आप लोग। 10 दिन जो प्रोफेसर हैं उन्हें घूमने भी जाना पड़ता है, तो क्लास सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद 7 दिन इलेक्शन में गया, 7 दिन तो कितने हो गए टोटल, 62 दिन हुए, 107 दिन कॉलेज ओपन हुआ, 62 दिन कॉलेज बंद था। तो पढ़ाई कहाँ से हुई बताओ, इसके अलावा भी जब प्रोफेसर आते हैं तो 10 मिनट तो उन्हें हाथ मल्टीप्लाई कर लो और समझ लो कि कितनी पढ़ाई हुई है। जिला प्रशासन भी बैठा हुआ है, वो भी इस बात से अवगत हो जाए कि यहाँ पर छात्र अगर आए हैं तो अपनी लड़ाई जो लड़ने आए हैं वो अपने हक की बात कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट लीगल है। जब सेकेंड ईयर का प्रमोशन हो सकता है, थर्ड ईयर का ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, जबकि उनकी क्लासेस हमसे ज्यादा चली थी, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी सत्र क्लासेस ऑनलाइन भले ही ऑनलाइन चली है, लेकिन पूरे सत्र क्लास चली है और सबका कोर्स कंप्लीट हुआ था। तो उनकी मांग यह थी कि जब हम ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो जब 45 दिन हम लोग क्लास किए हैं तो फिर या वो 45 दिन का सिलेबस निर्धारित करें, जो पढ़ाए हैं हम उसी का एग्जाम भी देंगे। यही मुद्दा होता है और आपको इसी पर बात भी करना है सबको, और कोई इसके अलावा मुद्दा नहीं उठाएगा, क्योंकि हम सबकी यही मांग है। जब 45 दिन पढ़ाए हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए, 45 दिन का कोर्स और उसी पे एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम देने के लिए आप लोग राजी हैं तो। क्योंकि ये एग्जाम इसी पर ले रहे हैं ना कि हमने कोर्स कंप्लीट कराया, और कह रहे हैं कि कॉलेजों से जब हमने सर्वे मंगाया वहाँ से उनका, तो वो कह रहे हैं कोर्स कंप्लीट है। तो सुनिए पहले सर, आप लोग भी पढ़ लिख कर गए, अनपढ़ तो है नहीं ना, तो इतना तो समझ सकते हैं कि 45 दिन में कौन सा कोर्स कंप्लीट होता है। और अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए ना कि इतनी सारी छुट्टियां हुई, अभी कॉलेज के फंक्शन भी होते हैं, उसकी छुट्टियां मैंने नहीं बताया, हर कॉलेज के अलग अलग फंक्शन है, तो उसकी छुट्टियां तो अलग चली गई। इन सब चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए कि नहीं, और जब आते हैं तो आप लोग हल्ला वल्ला जो मचाते हैं हल्ला ना मचाइए, पहले बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही निष्कर्ष निकलेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और डरना नहीं है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन, क्योंकि हम अपने हक की मांग यहाँ पर करने आए हैं और हमारा अधिकार है ये। डरेंगे किस बात के लिए, क्या हम कोई आतंकवादी लगते हैं जो इतने फोर्स से यहाँ पर डटे हुए हैं, नहीं लगते हैं। विश्वविद्यालय में इतने फोर्स की आवश्यकता है आप ये पहले बताइए, हम भाई यहाँ पर अपनी मांग करने आए हैं कि विश्वविद्यालय को उड़ाने आए हैं। अगर आप पास हो जाएंगे तो हम
लोगों के अंदर जोश नहीं बना रहा तो अपने आप खींचे चले आएंगे। आगे चल के उनका भी आपके सहयोग की जरूरत है, इसलिए वो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। और जो साथी आपके भी घर पे मजे मार रहे हैं ना, वो भी कल आएंगे। चलेगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम प्रमोशन लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ।